नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ में, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको देखने में लग रहा होगा जैसे कि स्टोर प्रेशर एक्सटिंग्विशर है, जैसे कि अपना DCP 9 kg और 5 kg रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर गैस भरी होती है, इसके अंदर हेफ्ता फ्लोरोकार्बन गैस होती है और वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। आप इसको हिलाएंगे तो आपको महसूस होगा जैसे कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी नहीं है, वो हेफ्ता फ्लोरोकार्बन गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में भरी गई है। ये एक तरह का केमिकल्स है, जब बाहर आता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और आग को बुझाता है स्मोथरिंग और कूलिंग के मेथड से। ये देखिए, इसके अंदर गेज लगा हुआ है। ये जो गेज आप देख रहे ग्रीन कलर में है, जब तक ये इधर ग्रीन कलर में रहेगा तब तक इसके अंदर प्रेशर भरा रहेगा। इसके अंदर N2 का प्रेशर होता है, ये भी N2 से ही प्रेशराइज होता है, और जब इधर वाले रेड में आएगा तो ये खाली हो जाएगा, और जब इधर वाले रेड में जाएगा तो ये चलेगा, खाली नहीं होगा, लेकिन वो एक तरह से रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो केमिकल लिक्विड है, वो एक्सपेंड करके इसका जो अंदर का प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। जैसे मैं स्टैंडर्ड प्रेशर जो रहता है इसका, वो 15 kg अगर हम मानते हैं तो 15 से 20 kg हो जाता है तब ये एक्सपेंड करता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 7 kg है, और इसका जो PSV है वो 10 बार पे रिलीज हो जाता है। वो सेफ्टी परपज के लिए उसको इंस्टॉल किया जाता है एक्सटिंग्विशर के साथ में ही। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सुराग है, यहाँ से इसका गैस रिलीज हो जाएगा, तब ये अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जाने लगेगा। यानी 10 बार से जैसे ही ऊपर जाएगा, 10 बार पे आएगा तो इसके PSV यहाँ से ओपन हो जाता है, और जो इसके अंदर जो प्रेशर एक्सपेंड हुआ था हीट पा करके, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अगर किसी कारण से यहाँ से रिलीज नहीं हुआ तो यहाँ पे उसका प्रेशर दिखाता है। ये देखिए, जो इधर वाला रेड है, ये वाला, वो यहाँ पे दिखाएगा, तो वो रिस्की हो सकता है, इसलिए उधर में PSV लगाया है। लेकिन 10 kg तक वो रिस्की नहीं है, अगर 10 kg पे जाता है तो इसका रिलीज वाल ओपन हो जाएगा। अगर किसी कारण से वो चोक हो जाता है तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए ये आपकी नॉलेज के लिए है। इधर रेड में तो खाली है, इधर ग्रीन में है तो भरा है, और इधर है तो वो मे भी रिस्की हो सकता है। चलिए अब इसके ऑपरेट का तरीका बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी पिन है, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ये देखिए ये बाहर आ जाएगा, और उसके बाद हम इस लॉक को बाहर निकालेंगे और ऐसे उसको उठाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये कैरी हैंडल है, ऊपर स्विच ग्रिप है, और ये इसका डिस्चार्ज पाइप है। पहले हम डिस्चार्ज पाइप को पकड़ेंगे ऐसे, और उसके बाद ऐसे कैरी हैंडल से उठा करके यूं, और फिर हम इसको ऊपर से स्विच ग्रिप से प्रेस करेंगे, और अपने जहाँ पे हमें ऑपरेट करना है बेस ऑफ फायर को अपना एम बनाएंगे और एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करेंगे। ये था क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर का चलाने का तरीका, उसके पार्ट्स और उसका प्रॉपर्टीज़। तो हमारी वीडियो आज इतने में ही समाप्त होती है।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं जल्दी नई वीडियो लेके आप लोगों के बीच आऊँगा। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल फायर ब्रिगेड से। धन्यवाद। जय हिंद।